राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच अब अशोक गहलोत के खेमे के मंत्री राजेंद्र गुड्डा भी सचिन पायलट के समर्थन में उतरे। गुड्डा ने सचिन पायलट को अभिमन्यु बताते हुए बड़ा बयान दिया। गुड्डा ने पिछले दिनों जयपुर में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को पायलट के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा, पायलट को अभिमन्यु की तरह छल से घेरा जा रहा है, पायलट के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। गुड्डा यही नहीं थमे, कहा कि पायलट की इमेज खराब करने की कोशिश की गई, इसमें वो सफल भी हुए। गुड्डा बोले, 2018 में जो लोग लाइन में खड़े थे उन्हें पायलट ने टिकट दिलाया और जिताया, लेकिन बाद में उन्होंने पायलट के साथ धोखा किया। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने यह बयान सोमवार को झुंझुनू के उदयपुर वाटी इलाके में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में दिया। गुड्डा इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, बसपा से चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल हुए। गुड्डा को गहलोत का सिपहसालार माना जाता है। सियासी संकट में भी गहलोत खेमे के साथ खड़े थे, लेकिन मंत्री राजेंद्र गुड्डा पायलट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पायलट की पिछली बगावत को याद दिला रहे हैं, तो उनके खेमे के मंत्री गुड्डा पायलट का पुरजोर बचाव करने में जुटे हैं। पायलट राजस्थान में बीते 25 सितंबर को हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पायलट खेमा पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में गहलोत खेमे के मंत्री राजेंद्र गुड्डा के बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। गुड्डा ने कहा कि मैंने पायलट को सावचेत भी किया था, अभी पायलट के साथ छल किया गया। उन्होंने कहा, पायलट के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो गलत है। पायलट ने इतनी गालियां सुनने के बाद भी संयम नहीं खोया, ये बड़ी बात है। और नकली लोग नजदीकी लगे और उन्होंने ही षड्यंत्र किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचेतक के लोगों ने छल किया, उन्होंने भी तो आलाकमान से गद्दारी की है, उन्होंने दिल्ली से आने वाले लोगों से बगावत की, ये गद्दारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।